तो दोस्तों आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम बेसिकली एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके खून की कमी को दूर कर देगा। अगर आपके गाल पिचके हुए हैं, आपकी वजन नहीं बढ़ रहा है, या फिर आप वीकनेस के शिकार हैं जिनमें ब्लड की डिफिशेंसी हो, आप बहुत कुछ खाते पीते हैं लेकिन आपका शरीर वजन नहीं बढ़ रहा है, आपके शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है और आप में खून की कमी लगातार बनी रहती है, एनीमिया की शिकायत रहती है, तो पर्टिकुलर एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आखिरी तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस कैप्सूल के बारे में मिल सके। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट डेक्सोलेंस कैप्सूल से। सबसे पहले बात करें इसके प्रोडक्शन कंपनी की, तो फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसका निर्माण करती है। ये आपको करीब मार्केट में इस समय 155 से 160 रुपए के बीच में मिल जाएगा। चलिए मैं इसको आपको खोलकर अंदर से दिखा दे रहा हूं ताकि आपको इसकी सही से पैकेजिंग समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर से देखने पे इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की होती है। ये कांच का ग्लास का जो एक पैकेज होता है जिसके अंदर सभी कैप्सूल्स इसमें स्टोर्ड होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें पाए जाने इंग्रेडिएंट की, उसके बाद बात करेंगे इसके यूजेस की। तो जैसे कि इसमें चार प्रकार के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। पहला इंग्रेडिएंट जो होता है वो फेरस सिट्रेट पाया जाता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है इसमें वो होता है विटामिन बी12 जो कि 7.5 माइक्रोग्राम के करीब पाया जाता है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है फॉलिक एसिड होता है जो कि 0.5 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है। चौथा इंग्रेडिएंट होता है जिंक सल्फेट होता है जो कि करीब 20.61 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है। ये एक ऐसे प्रकार का कॉम्बिनेशन कैप्सूल्स होता है जो कि हेमेटेनिक इन नेचर होता है। हम बात करें हेमेटेनिक क्या होता है, तो हेमेटेनिक एक ऐसे प्रकार का सब्सटेंस होता है जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए या फिर ब्लड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप में ब्लड की डिफिशेंसी है, ब्लड की कमी है, तो हेमेटेनिक एक ऐसे प्रकार का सब्सटेंस होता है जो आपके शरीर में ब्लड के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और आपका जो ब्लड होता है वो क्वालिटी में भी ज़्यादा बेहतर इंक्रीज होता है। तो ये रहा हेमेटेनिक का काम, हेमेटेनिक क्या होता है। हम बात करें कि अगर आपको डेक्सोलेंस मार्केट में नहीं उपलब्ध मिल रहा है तो आप इसके जगह पे कोई दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा खरीद सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो OTC के रूप में यानी ओवर टू काउंटर दवा के रूप में इसके जगह पे आर्बिटोन कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आर्बिटोन में वो सभी इंग्रेडिएंट नहीं पाए जाएंगे जो कि डेक्सोलेंस कैप्सूल में पाए जाते हैं। तो कोशिश करें कि डेक्सोलेंस कैप्सूल का ही प्रयोग करें क्योंकि ब्रांड नेम है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, काफ़ी दिनों से प्रयोग किया जाता है और विश्वसनीय है, डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं जहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात करें अगर आप में ब्लड की डिफिशेंसी है यानी खून की कमी है, वो खून की कमी आपको बहुत ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से हो सकती है यानी हिमोराइजा के कारण हो सकती है, यानी आपने बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस किया हो, चाहे वो क्रियोनिक स्टेज पे हो यानी बहुत लंबे स्टेज पे रहा हो ब्लड लॉस आपका, या फिर बहुत एक्यूट स्टेज पे रहा हो यानी थोड़े समय के लिए आपने ब्लड लॉस किया हो इन सब कंडीशन में, या आपको मेस्ट्रोल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जिनमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है उसके बाद आपके शरीर में वीकनेस आ जाती है, या आपको पोस्ट सर्जरी की प्रॉब्लम हो यानी आपकी सर्जरी हुई उसके बाद आप में ब्लड की डिफिशेंसी बनी रहती है, या फिर आप एक एनेमिया के पेशेंट हैं जिसमें बार बार खून की कमी होती है, या फिर आपका बोन मेरो प्रॉपर रूप से काम ना कर रहा हो, कुछ समय बाद आप में खून की कमी हो जा रही हो, तो इस जगह पे आप डेक्सोलेंस कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप में एपेटाइटिस की प्रॉब्लम है यानी भूख लगने की परेशानी रहती है, बार बार भूख लगने की समस्या आपके सामने आ जाती हैं, या फिर आप में पाइल्स की परेशानी है, बवासीर की परेशानी है, या फिर आप में पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तो इन जगहों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नींद लगती है, या फिर आपको चलते समय हाफा सा महसूस होता है, आप चलते हैं तो आपको मुँह से सांस लेनी पड़ती है, सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है, या आप जब अचानक से खड़े होते हैं, कहीं बैठे रहते हैं कुछ समय के लिए और जब अचानक से खड़े हो जाते हैं तो उसके कुछ तुरंत ही बाद आपके आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम रहती है, या आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूखता हो, या फिर आप में वीकनेस की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती हो, या आपका वजन ना बढ़ रहा हो, तो इन सब कंडीशन में आप हेमेटेनिक कैप्सूल डेक्सोलेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं जिसमें खून की कमी लगातार बनी रहती है तब भी आप इस कैप्सूल का प्रयोग 1 से लेकर 9 महीने तक कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, कि जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं बहुत कम होते हैं, माइनर लेवल पे होते हैं। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जो कि 60+ एज के हैं और आप में खून की कमी है तब भी आप इस कैप्सूल का प्रयोग लगातार कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो कैप्सूल का प्रयोग ना कर सिरप का प्रयोग करें, जिसकी जो सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जाके उसे देख लीजिए ताकि आपको उसके बारे में सही से समझ आ जाए। मैं जो सिरप की वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहां से आपको वीडियो के नीचे जाने पर आपको आसानी होगी, जहां से हमारे प्रकाश वाला चैनल पे जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं।
तो ये रहे इसके कुछ कॉमन यूज जहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं डोजेज फॉर्म की, यानी आपको कैसे कैसे इसको खाना है। तो अगर आपकी उम्र 15 साल से ऊपर है तभी इस कैप्सूल का प्रयोग करें ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई ना पड़े। एक कैप्सूल में जितने भी इंग्रेडिएंट बताए गए हैं वो आते हैं, यानी जब आप एक कैप्सूल का प्रयोग करेंगे तो जो भी इंग्रेडिएंट अभी पीछे बताया गया था वो पूरा एक कैप्सूल के अंदर कंटेन होता है। अगर आपको बताई गई समस्याओं से कोई भी प्रॉब्लम है तो एक कैप्सूल दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हायर लेवल पे है यानी ज़्यादा है तो आप दो कैप्सूल दिन में लगातार 15 दिनों तक इस्तेमाल करें। उसके बाद एक कैप्सूल का प्रयोग रेगुलर बेसिस पर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक या फिर 12 महीने तक कर सकते हैं। बेसिकली 3 महीने तक ही प्रयोग करें, उसके बाद अपने आयरन लेवल को जांच कर लीजिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इसके कंजप्ट होने से आपके बॉडी में आयरन लेवल बढ़ जाता है जिससे कुछ आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। बेसिकली ये अमूमन बहुत नॉर्मल सी बात है, कभी ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि रेयर केसेस में आपको ऐसा हो जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं क्या एक कैप्सूल प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ है और क्या बच्चों के लिए कैप्सूल नहीं खाना चाहिए। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए कैप्सूल बिल्कुल सेफ है। अगर बच्चों के लिए कैप्सूल का प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि डेक्सोलन सिरप का प्रयोग कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली इस कैप्सूल को खाने के बाद आपको कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ नोडिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूल जो है आपका यानी लेटरिन जब आप जाएंगे तो कुछ काला काला लेटरिन आपको 2 से लेकर 5 दिनों तक दिखाई पड़ सकता है। इसके सिवा कुछ अलग प्रकार के सिम्टम आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अगर आपको ये कैप्सूल खाने में वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है यानी पलटी सा महसूस हो रहा है तो आप अपने खाने के साथ यानी जब खाना खा रहे हैं उसी समय इस कैप्सूल का प्रयोग कर लीजिए ताकि आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम ना हो। इस कैप्सूल को खाने से पहले आपको खाना जरूर खा लेना चाहिए क्योंकि खाली पेट इस कैप्सूल का जो एक्शन होगा बहुत रिपीटली होगा, इससे कुछ आपको माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको इस कैप्सूल के बारे में बताया गया आपको समझ में आया होगा। जिस तरह बताया गया है समझ में आया होगा, कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें ताकि आपको जो इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ हैं जो छूट रही हों, हो सकता है कि मैं पूरा डिलीवर ना कर पा रहा हूँ, कुछ माइनर सी बातें हों जो छूट जा रही हों, वो आप तक पहुँच सकें। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपका अपना साथी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल प्रकाश वालों पे लाता रहूंगा। तो हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक कैप्सूल का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।